उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, ईद उलादा मुबारक। माशाल्लाह से मैं नमाज वगैरह पढ़ के अपने मिनी रूम में आ गया हूँ और माशाल्लाह से सब फिट फाट है। बस एक छोटी सी टेंशन हो गई है कि हमारा जो एक मोर है ना, उसको पता नहीं क्या उसकी दुकान पर ना रकम हुआ है, पता नहीं किस वजह से हुआ है। खैर उसे देखता हूँ मैं इंशाल्लाह क्या वजह। बाकी हमारा ये टर्की बर्ड भी ठीक है बिल्कुल, और बाकी बर्ड भी हमारे ना बिल्कुल ठीक जा रहे। और मैं इन्हें सुबह का दाना डाल देता हूँ। बचिया लग गया, ये देखें इनकी हरकत है। देखो कबूतर आते हैं और ना खिला के चले जाते हैं। खैर कोई नहीं, अब तो वेस्ट हो गए। मैं इन सबको दाना डालता हूँ। ये दाना मतलब क्या है, मैं डालता बस। अल्लाह करे ये मोर है तो एक्टिव, खा पी लेना। अगर खा पी लेना तो मतलब तो वो बच ही जाएगा, यानी वो कुछ भी नहीं होगा। ये मेरे पर आ गया, मैं और दाना डाल दूँ बाकी यहाँ पर डाल दूँ। मछर उनको दाना डाल दी, बाकी दोस्तों के बाद भी हमारे दाना पानी बाकी सबके पास ही और किसी दाने की ना अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ना बाकी शाम को डालूँगा मैं। अब हमारे घर कुर्बानी होनी है, वो भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह आपको। ये देखें माशाल्लाह ये सारे इधर आ गए, और ये शुक्र अल्लाह का कि मोर खाना खा रहा है। अगर तो ये खाना ना खाए ना फिर मसले वाली बात है, अगर ये खाना खा लेते ना फिर मसले वाली बात नहीं है। वगैरह इसमें जान रहेगी और ये किसी चोट या जख्म जो भी ना, ये देखें इसके ना यहाँ चोट लगी है। ये देख बेचारी के किसी ने ना यहाँ इसे पकड़ के मारा है। और हमारे पास ये जो माशाल्लाह से इनका बच्चा है, ये देखो माशाल्लाह ये भी सही ग्रोथ कर रहा है। और ये हमारे मैना जोड़ी, इनका नहीं पता इन्होंने कहाँ अंडे देने, कब बच्चे पालने। हर बार अंडे देते हैं वेस्ट हो जाते हैं, हर बार अंडे देते हैं वेस्ट हो जाते हैं। खैर ये सब सारे काफ़ी भूखे थे, मैंने इनको दाना पानी डाल दिया और मोर भी खा रहे हैं शुक्र अल्लाह पाक का। सारे वो आ गया हमारा वाइट मोर माशाल्लाह। चलें दोस्तों मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूँ, फिर अपडेट देता हूँ और सब कुछ। बाकी दोस्तों माशाल्लाह से ना रात हो गई है और मैं अब ऊपर आ गया हूँ अपने परिंदों के पास। और हमारा एक लक्का ये रहा और एक लक्का बोरा, और वो कबूतरी जो है ना वो अपने अंडों पर बैठी है माशाल्लाह, सही से इंक्यूबेट भी कर रही है। और इनके बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं, इनके बच्चे भी ठीक हैं बिल्कुल। इसका तो एक ही बच्चा जो कोने में बैठा हुआ है ठीक है। और ये मुक्की का प्यार है, ये देखें माशाल्लाह से ये बहुत प्यारे हैं। ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह ने तेरे बच्चे बचाए। और हमारा ये कॉकटेल का प्यार, और इनके पास पानी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी पानी डालता हूँ इनको सबको। अभी मैं वैसे ना दाना पानी डालने आया, देखें इनके पास भी नहीं है बिल्कुल भी पानी, पानी तकरीबन सबके पास नहीं है। मैं सबको दाना पानी डाल देता हूँ और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ इंशाल्लाह। माशाल्लाह से हमारे बाकी सारे बर्ड्स बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, और जो हमारा मोर है वो भी ठीक है। उसको मैं इंशाल्लाह अभी तो आज फर्स्ट डे था ना ईद का, तो दवाई मिली नहीं तो इस वजह से मैं उसे दे नहीं सका। खैर मैं इनको दाना पानी डालता हूँ और दाना पानी डाल के और फिर इंशाल्लाह कल दवाई ला के ना जो पानी पी रहे ना मोर, वही उसी मोर के मुंह में हुआ है, तो मैं उसको भी दवाई देता हूँ। हमारा जो एक कबूतर है ना ये वाला, इसका मुंह भी ना ख़राब हुआ है, देखिए बकरा है तो इसको भी मैं देता हूँ कोई ना कोई चीज़ ना, ताकि ये भी ठीक हो जाए। और ये देखिए माशाल्लाह से ये बाप है, ये उसका बेटा है माशाल्लाह। बाकी हमारे सारे बर्ड्स बिल्कुल ठीक हैं। और बस यहीं पे हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो के लास्ट में इंशाल्लाह मैं जो हमारे कुर्बानी का जानवर था ना उसकी भी वीडियो अटैच कर दूँगा, वो भी मैंने बनाई है, वो भी आप देख के देख लीजिएगा कैसा जानवर था और
उसकी कुर्बानी कैसे हुई माशाल्लाह से, तो वो भी इंशाल्लाह साथ अटैच करके आप लोगों को दिखा दूँगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। बनी नहीं है ना देखे अच्छा, कोई बात चुप रहना, मैं थोड़े से ऊपर हुआ एक नंबर। हर कोई देख रहा है ऊपर से, छोटी पीछे तो सही आनी चाहिए वीडियो, जूम मोबाइल ना जूम कर लो, जूम कर लो थोड़ी। Yeah।